दिल्ली के लोगों को कांग्रेस की और खास तौर से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की एक नई चोरी का जो खुलासा हुआ है उसकी कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपके सामने रखने के लिए बैठे हैं। आप सब और आप सबके मार्फत पूरा देश, पूरी दिल्ली अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले की बहुत चर्चा करती रही है, कर रही है। बोवर्स घोटाला भी बहुत चर्चा में रहा और उसमें भी कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व संलिप्त रहा। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला ये 2010 की घटना है। 2010 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने, जो यूपीए की सरकार थी, जिसके ऊपर एक्सीडेंटल टाइप की फिल्में भी बनने लगीं और आज बहुत चर्चा में हैं, ये बात उसी समय की है जब 2010 में केंद्र सरकार ने निर्णय किया कि हम वीवीआईपी के लिए 12 अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदेंगे, जो इटली की कंपनी थी, है थी नहीं है। और अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी ने 12 हेलीकॉप्टर लगभग 37 अरब की लागत से भारत को देने की बात हुई, लेकिन तभी इस डील में रिश्वत ली गई है भारत के राजनीतिज्ञों द्वारा। ये बात चली और इटली के ही कोर्ट में ये केस हो गया। ध्यान रहे मेरे देश के, दिल्ली के वासियों, मेरे मीडिया के भाई बहन, ये केस भारत में नहीं हुआ, ये इटली में ही हुआ और इटली की कोर्ट में इस केस को चलाया गया कि 360 करोड़ की रिश्वत ली गई है दिल्ली के उन लोगों द्वारा जो इस समय केंद्र में बैठे हैं। और इसमें एक नाम आया जो बिचौलिया है, जो मीडिएटर का काम किया, जिसका नाम है क्रिश्चियन मिशेल। जब ये केस चला अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले का, तो जो कोर्ट की निर्णय आए हैं इटली के, उसमें 4 बार सोनिया गांधी जी का नाम है और उनका नाम लिखा गया है सिग्नोरा गांधी। सिग्नोरा का हिंदी में मतलब होता है श्रीमती। देखिए, दो सवाल अलग अलग हैं आपके। चूंकि एक केस चला है इटली में, तो इटली में केस चलने के बाद, जब जिस समय केस चला तब कांग्रेस की ही सरकार थी, तो जब वो सरकार ही चोरी में शामिल है तो वो अपने यहां तो उसको रोकेगी। लेकिन जैसे ही 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उन्होंने केस को खोल दिया है, उसका खुलासा आपके सामने आ रहा है। पॉइंट टू, अभी मैं तो यही बात एक लाइन कही, शायद आपसे मिस हो गई होगी। अगस्ता हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी पे हमारा कोई संदेह नहीं है। अगस्ता वेस्टलैंड जो हेलीकॉप्टर बनाती है कंपनी, वो बहुत अच्छी कंपनी है, वर्ल्ड फेम की कंपनी है। अगर राहुल गांधी जी को हाल से काम कराने का इतना ही शौक था, तो हाल को वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर में क्यों कैंसिल कर दिया? एचएएल को वेस्टलैंडा हेलीकॉप्टर में, वेस्टलैंड अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर में एचएएल को हटा दिया था इन लोगों ने। दूसरी बात, वो फोर्स तोप पे हमारा कोई डाउट थोड़ी था सर। वो फोर्स तोप ने, तोप से हमने कारगिल युद्ध के सामने में हमारी सेना ने बहुत काम किया। हमें उस तोप और इस कंपनी से प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम उस चोर वाली रिश्वत लेने की नीति से है जो ऐसी चीजों को खरीदने में लगाई गई। अगर आगे भी मौका मिले तो हमें, चाहे वो फोर्स बनाने वाली कंपनी हो या फिर ये अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी हो, हमें उसकी सेवाएं लेना ही चाहिए, क्योंकि दे आर वेरी गुड मेकर।
इसलिए इस सवाल को तो जवाब दे दिया गया है और कांग्रेस के सवाल उठाने के बाद ही दिया गया है। दूसरी बात, अगस्ता वेस्टलैंड का हम थोड़ी उठाए, जहां से कंपनी है जहां से वही उठा, वही के कोर्ट ने फैसला दिया, तो हम जब वहां की कोर्ट ने फैसला दे दिया तो हम थोड़ी छोड़ने वाले किसी को, हम तो चोरों को किसी भी को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको पकड़ पकड़ के देश में लाएंगे जो भागे हुए। भैया देखो, वो करते थे कि नहीं करते थे, लेकिन उन्हीं का आदमिया जिससे बात जो बिचौलिया था वही कह रहा है कि करते थे। तो जब मीडिएटर ही कह रहा है कि इन लोगों ने किया है, इन्होंने, वो ये नहीं कह रहा है कि पैसा नहीं लिया, पैसा लिया, किसने लिया, तो पहले शब्द था फैमिली एपी, तो उसका अर्थ अपने यहां आप समझते हैं, फैमिली मतलब गांधी फैमिली, एपी मतलब उसका फुल फॉर्म आप समझ सकते हैं। अब जो सना इटालियन लेडी भी कह दिया, आर भी कह दिया, पार्टी लीडर भी कह दिया, तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि कौन राजनेता है जो गायक भी है, एक्टर भी है और सांसद भी है, तो मनोज तिवारी होगा। तो जब चार ऑप्शन दे दिया गया, ये केबीसी में सवाल पूछा गया था भाई, तो हम तो दुनिया के इकलौते व्यक्ति हैं जो गायक, पॉलिटिशियन और सांसद, तीनों पूछिएगा तो मनोज तिवारी है। तो अब चार जो ऑप्शन दिया गया है, सन ऑफ इटालियन लेडी, पार्टी लीडर, आर एंड बिग मैन, अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी के अलावा कोई है ही नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने तो इस देश में घर घर गैस पहुंचाने के लिए काम किया है, हमने तो इस देश में दवाई के लिए हर परिवार, मतलब 10 करोड़ परिवार को 5-5 लाख रुपया मोदी केयर के साथ योजना दी है, हमने 34 करोड़ लोगों को बैंक से जोड़ करके उनको एजुकेट करने की कोशिश की है, हमने 1 रुपया में 2 लाख का बीमा दिया है, हम ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर को 5-5 हजार रुपया पेंशन की व्यवस्था किए हैं। लेकिन जब चोरवा चोरी करेगा तो हम छोड़ेंगे? हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे सर। हमारी जो पूरे देश को सुविधा भी देना हमारा काम है, और अगर कोई चोर सेंधी सेंध लगा रहा है तो उसको भी पकड़ के जनता के सामने उजागर करना हमारा काम। गड़बड़ी है नहीं, तो हमको तो दुनिया में टेक्नोलॉजी वाइज सबसे अच्छे लोगों को चुनना है और उनको कहना है काम तुम भारत में करोगे, मेक इन इंडिया, इसलिए हमने वो किया है। इसके लिए तो मोदी सरकार की बहुत वाहवाही हो रही है और होनी भी चाहिए। हमें चोरों को पकड़ना है, न कि अच्छी टेक्नोलॉजी को दूर करना है। अब देखिए, भ्रम और साजिश यही हथियार है इन चोरों के। मैं आपको बता दूं कि जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तभी से ये सारे चोर देश छोड़ के भागना शुरू किए। क्यों? तभी उनपे कार्रवाई शुरू हुई क्यों? तभी उनपे शिकंजा कसना हुआ क्यों? क्या विजय माल्या भाग गए तो लंदन में कोर्ट ने उनको रोक लिया? कोर्ट ने भी कहा गो टू योर मदरलैंड एंड पे द मनी। तो कोई ऐसे चोर भैया अपना जो ईमानदारी का रास्ता है वो चल रहा है, उसमें ऐसे बेईमान देश के किसी कोने में जाए वो बच नहीं पाएंगे, ऐसा हमारा नीति है और उस नीति पे हम चल रहे हैं।